आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैथमेटिकल टॉपिक है, ध्यान से समझना है डायग्राम को। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, इलेक्ट्रिक डाइपोल से हम पोटेंशियल कंसीडर करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए, पहले डायग्राम को समझते हैं ध्यान से। ये आपके पास को डाइपोल है, नेगेटिव क्यू चार्ज, और यहां पे है पॉजिटिव क्यू चार्ज। ठीक है, यहां पे नेगेटिव क्यू चार्ज है, यहां पॉजिटिव। डाइपोल की डिस्टेंस हम कितनी लेते हैं? डाइपोल की डिस्टेंस हम लेते हैं, लेट अस कंसीडर 2a। डाइपोल की डिस्टेंस है 2a। डाइपोल के सेंटर से, यहां ये सेंटर है, लेट अस कंसीडर सेंटर, और यहां पर ये डिस्टेंस हो जाएगी a, और ये भी हो जाएगी a। ध्यान से समझेंगे, ये डिस्टेंस जो है आपकी, ये 2a है, ये डिस्टेंस 2a, तो सेंटर से डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस क्या हो जाएगी a, ये भी, और डाइपोल का नाम दे देते हैं, लेट अस कंसीडर डाइपोल इज ab। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, तो लेट अस कंसीडर इसके सेंटर से एंगल लेते हो। डाइपोल के सेंटर से लेट अस कंसीडर थीटा एंगल पर, यहां कोई पॉइंट P है, थीटा एंगल से ये सेंटर है O, इस सेंटर से थीटा एंगल पर कोई पॉइंट P है, जहां पर इस डाइपोल के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर किया था डाइपोल में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैसे के वैसे कैलकुलेट करना है। ध्यान रहे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कंसीडर किया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन होती है, तो वहां पर हमने डायरेक्शन से सोल्व किया था। इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, इसको सिंपली कैलकुलेट करते हैं। देखिए, लेट अस कंसीडर इस ओ सेंटर से जो पी पॉइंट है वो थीटा एंगल ले रहा है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, लेट अस कंसीडर स्मॉल आर। ओके, इस डाइपोल के इस पॉइंट से जो आपके पास जो डिस्टेंस है इस चार्ज के लिए, पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है, लेट अस कंसीडर वो है आपके पास आर वन। क्यू वन चार्ज से जो पोटेंशियल यहां जनरेट होगा उसकी जो डिस्टेंस है वो है आर वन, और पोटेंशियल जो जनरेट होगा वो लेट अस कंसीडर हमने क्या ले लिया, वी वन। इस चार्ज से जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो हमने ले लिया, ये डिस्टेंस होगी पॉजिटिव चार्ज से जो पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसकी जो डिस्टेंस हमने कितनी ले ली, आर टू। ठीक है, और जो पोटेंशियल जनरेट होगा इस प्लस चार्ज से उसको लेट अस कंसीडर हमने मान लेंगे वी टू। ठीक है, तो इस पी पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल कितना होगा, इस चार्ज का पोटेंशियल प्लस इस चार्ज का पोटेंशियल, अरे बोलो नहीं के टोटल, तो इससे वी वन माने और इसको वी टू ले, तो वी वन प्लस वी टू टोटल पोटेंशियल। अब इसको आगे डायग्राम को सॉल्व करते हैं, ये पॉइंट ओ है आपका। देखो, हमें कैलकुलेट करना है वी वन और वी टू, तो ध्यान से देखें, तो टोटल पोटेंशियल आपके पास आ जाएगा वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वी वन क्या है, नेगेटिव क्यू चार्ज से जो पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल जनरेट होगी वो। वी टू क्या है, जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है इस पॉजिटिव क्यू चार्ज से इस पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल जनरेट होगी वो। तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगी, वी कैन राइट वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू। देन वी कैन राइट हियर वी वन इज इक्वल टू जनरल फॉर्मूला क्या है बेटा पोटेंशियल का, वी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ा, इसी से वी वन लिखे तो वी वन क्या आ जाएगा, वी वन इस चार्ज के लिए है, और k की वैल्यू 1/4πε0 पता है, रख देंगे जब भी जरूरत होगी। और चार्ज क्या है, नेगेटिव q, और डिस्टेंस क्या है बेटा, जिस पॉइंट पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस चार्ज के लिए वो है p पॉइंट, तो डिस्टेंस है r1। क्लियर, इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। v2 कैलकुलेट करेंगे तो v2 क्या आ जाएगा, v2 इज इक्वल टू, v2 इस चार्ज के लिए है तो आपके पास आ जाएगा k, कौन सा चार्ज है, प्लस q चार्ज अपॉन डिस्टेंस कितनी है आर टू। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है,
ये वैल्यू जो है इक्वेशन 2 और 3 की, ये फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 एंड 3 इक्वेशन 1, सो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, वैल्यू रखो भाई, ये आ जाएगा नेगेटिव के क्यू अपॉन आर वन एंड प्लस के क्यू अपॉन आर टू। ध्यान से देखें तो नेगेटिव क्यू क्यों लिखा है मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज जो है उसका साइन नहीं लेते क्योंकि वह डायरेक्शन आ जाती है, जबकि पोटेंशियल में आपको ध्यान रखना है पोटेंशियल में जो चार्ज का साइन होता है वो एज इट इज आएगा। ठीक है, ये यहां से बताओ कॉमन क्या है बेटा, सो दिस इंप्लाइज वी कैन राइट वी इज इक्वल टू के क्यू इज कॉमन, देन यहां पर आपके पास 1 अपॉन आर टू, यहां से 1 अपॉन माइनस आर वन, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन आर टू माइनस 1 अपॉन आर वन। अरे भाई जो पॉजिटिव उसको पहले लिख दिया और नेगेटिव उसको बाद। एलसीएम लीजिए यहां पे, एलसीएम क्या जाएगा यहां लिख देता हूं, सो वी इज इक्वल टू आपके पास आएगा एलसीएम के क्यू तो कॉन्स्टेंट और आपके पास आ जाएगा यहां से एलसीएम आर वन आर टू, तो आर वन इधर आएगा आर टू इधर जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा आर वन माइनस आर टू अपॉन आर वन इंटू आर टू, एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन चल रही है, 4। क्लियर है। अब जरा ये बताइए कि यहां पर जो आर वन आर टू है वो ये डिस्टेंस है, इनको अगर अपन कैलकुलेट करें, ये आपके पास गिवन हो, सेंटर से पी पॉइंट की डिस्टेंस गिवन रहेगी और आपको आर वन और आर टू कैलकुलेट करना है, आर वन आर टू कैलकुलेट करना है, तो फिर से डायग्राम को हमें क्या करना होगा, मॉडिफाई करना होगा इसी डायग्राम को। तो देखो हमें अब कैलकुलेट करना है आर वन और आर टू, हमारा टारगेट क्या है, आर वन और आर टू कैलकुलेट करना, तो ध्यान से देखें तो इस आर वन इस ओपी और आपके पास जो एपी है इसका पाथ डिफरेंस अगर अपन कैलकुलेट करें तो पाथ डिफरेंस क्या आएगा, देखिए मैंने इसको थोड़ा सा यहां से रब कर देते हैं, राइट कर लिया क्या आपने, रब कर दिया, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि यहां से मैंने इसको थोड़ा सा आगे की ओर इस तरह से लाइन को ड्रॉ किया है, तो यहां से इस पॉइंट से और ओपी और एपी पे जो पाथ डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है, तो पहले ध्यान से मुझे ये बताओ कि ए की जगह जाने के दो रास्ते हैं, मान लीजिए ए पॉइंट से हम यहां पर और इस पॉइंट से भी यहां पर पहुंचना है, ये ए है ये बी है और ये सी है, तो यहां से आप यहां पहुंच गए और यहां से यहां पहुंच गए, ठीक है। जब हम देखते हैं तो हमें पाथ डिफरेंस जब भी फिजिक्स में कैलकुलेट करना होता है तो पाथ डिफरेंस का मतलब पाथ में जो डिफरेंस है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो जो स्मॉलेस्ट जो आपके पास पाथ है उससे जो आपका लॉन्ग पाथ है उस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये बी पॉइंट आपके पास यहां सी, तो स्मॉलेस्ट कौन सी है बेटा इसमें, ए सी और बी सी में से स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कौन सी है, क्लियर है, बी सी दिख रही है भाई, जनरली बी सी हमें क्लियरली दिख रही है, तो यहां बी सी से इस बी पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। जो कट जो पार्ट है इसको हमने लेट अस कंसीडर नाम दे दिया डी, तो जो कट पार्ट है, कट पार्ट कौन सा है, एडी, जब हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की तो कट पार्ट है एडी, तो एडी कहलाएगा इन दोनों का पाथ डिफरेंस। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि डीसी और बीसी क्या है, इक्वल। अरे इस टाइम डीसी और बीसी क्या है, इक्वल, कितना ज्यादा ट्रेवल कर रहा था एसी एडी के जितना, क्लियर है। अब यहां अपने डायग्राम में आते हैं, तो डायग्राम में देखो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, तो ये इस लाइन को मैंने, अब बताओ इन दोनों लाइनों में अगर हम देखें तो यहां से हमारे पास ये गिवन है, तो गिवन जो होती है उससे हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पर हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, ये 90 का एंगल है बेटा, ध्यान दे ये एंगल कितना है 90। अच्छा ये बताओ ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ऑब्वियस, अरे तो टेंथ में पढ़ रखा है, ये थीटा ये भी थीटा। अच्छा अब ये बताइए कि ये तो आर वन के लिए पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया, आर टू के लिए पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करें तो बताओ ओपी और बीपी में यहां कौन सी लाइन छोटी दिख रही है आपको, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, बीपी, क्लियर है। तो बीपी से बी से हम एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे भी ड्रॉ कर देते हैं, ये परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है, और ये एंगल भी हमने कितना ले लिया
90. यस और नो, ठीक है? तो ये आ गया 90. इसका इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया डी, इसको दे दिया सी. क्लियर है? अच्छा ये बताइए, अब हम अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं आर वन, और ये हमारे पास गिवन है, इसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करें, तो आर वन की वैल्यू आप देख के बताओ क्या आ सकती है इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि आर गिवन है हमारे पास सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से पी पॉइंट की डिस्टेंस गिवन है, तो हमें आर वन कैलकुलेट करना है, तो क्या आ जाएगा आर वन भाई? क्लियर है? ओपी तो आपके पास गिवन है, उसमें क्या ऐड हो जाएगा? ओसी. अरे बोलो नहीं क्या? अच्छा हमें आर टू कैलकुलेट करना है, तो आर टू कैलकुलेट करना है, तो आप देखो ये गिवन है हमारे पास ओपी, तो ओपी में से अगर ये ओडी अगर सब्सट्रैक्ट कर दें तो आपके पास बीपी बच जाएगा. बताओ कैसे? देखो इधर बीपी और यहां से डीपी इक्वल है. अरे बीपी और डीपी, बीपी और डीपी इक्वल है, और ये इतनी ज्यादा ट्रेवल कर रही थी ओपी, ठीक है? तो ये पाथ डिफरेंस. इसमें अगर अपन देखें तो इसमें इसमें आपके पास यहां से लेकर एपी, जो एपी है वो किसके इक्वल है? सीपी. क्लियर है? तो इस तरह से इसका ये पाथ डिफरेंस आएगा. फिर बाद में इसको आगे कल कैलकुलेट करेंगे. देखो यहां तक हमने कैलकुलेट कर लिया था, अब हमारा टारगेट क्या है? R1 और R2 को कैलकुलेट करना. हमने कुछ नहीं किया, जो डाइपोल की जो डिस्टेंस है उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. अब नेक्स्ट जो कैलकुलेशन हम करेंगे उसमें ट्राइंगल लेंगे, और ट्राइंगल से R1 और R2 हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही. थैंक यू क्लास.